ये देखो, इस वाले चैप्टर में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, बेसिकली आपको पिछले क्लास में ये इंडिकेशन देने की कोशिश की थी कि 90% रिएक्शन हमारा ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। तो जो तुम छोटी क्लास में पढ़े थे, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था एग्जैक्टली, व्हाट वाज एक्सप्लेन, इफ यू कैन रिकॉल हियर, छोटी क्लास में आप क्या पढ़े हो, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीडेशन दिख रहा है आपको, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है ना, एच के साथ सल्फर हट करके ऑक्सीजन जुड़ा है, ये ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन का मीनिंग जो आपको बताया गया है, दैट इज व्हाट, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा आपको यहां पर बताया जाएगा इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, सेकंड पॉइंट जो आएगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, दैट्स टॉकिंग अबाउट लियो, विद जॉडियक साइन की हम बात कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड इसी का जैसे देखो, एक ये कॉन्सेप्ट है आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट जो सुनते आ रहे हैं, लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के दौरान जिसका भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, दैट विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इससे याद रखोगे, इसी में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, जैसे हम लिखते हैं सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, Na प्लस आयन बना, तो ये तुमको क्या होते हुए दिख रहा है कि 281 इससे इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं एंड इट्स रीचिंग एट दिस स्टेज, सो देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स रीचिंग आयन, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। लेकिन इसी दौरान आपका जीरो जो है प्लस वन पहुंच जा रहा है, इट मींस दिस इज इंडिकेटिंग देयर इज इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के अलावा देयर इज इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ये देख रहे हो, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज विच इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। समझ आ रही है बात? थर्ड विल से डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज कई बार क्या होगा, जैसे सीएल के पास माइनस है, पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, it's going to reach CL. So if this is going to release electron and it's making CL here, it means there is decrease in negative charge. ठीक है? Minus one, zero आ रहा है, so there is decrease in negative charge. समझ रहे हो? ये आपका किसका definition हमने बताया? Oxidation का. तो ऑक्सीडेशन में कहीं पर तुमको पहचानना होगा कि क्या हो रहा है। एक ये तो समझ में आ रहा था जो छोटी क्लास में पढ़े थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ये ठीक है, लेकिन ये अब बड़े क्लास में आपको इसके मार्फत चलना पड़ेगा, ये सब चीज समझना होगा। अच्छा देखो ना, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हम किस बेसिस पे पॉइंट आउट कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बिहेवियर, कि देयर इज इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है। ठीक है, यहां के केस में देखिए क्या हो रहा है, देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, नोटिस कर रहे हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जल्दी बोलिए। तो यहां हो क्या रहा है, ये रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन हो गया, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर आपका एडिशन ऑफ किसी भी एटम से ऐड होगा हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे फिर? जो पुराना कॉन्सेप्ट है उसको कैसे डिफाइन कीजिएगा? एडिशन ऑफ एच, ठीक है, एंड एडिशन ऑफ एच के अलावा रिमूवल ऑफ ओ बोलेंगे, ये पुराना कॉन्सेप्ट हुआ। पुराना कॉन्सेप्ट इज नॉट रॉन्ग, बहुत जगह पे तुम इसको देख करके पहचान लोगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपका कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने बोला था, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे? दैट प्लेस वी सेड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो?
There it was loss of electron, and in this case it is gain of electron. Decrease in positive charge. Why increase in positive charge tha? वहां पर डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज था, ये आपका क्या है, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज. इसको ठीक से लिख देते हैं, इन नेगेटिव चार्ज. हमको सोच के पहचान करके यहां पर बताओ, यदि हम लिखते हैं Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, इट्स मेकिंग Cl माइनस, क्या हो रहा है यहां पर बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रहा है. सभी लोग बोल रिडक्शन, थोड़ा सा उसको पार्टिसिपेट कीजिए. दिस इज इंडिकेटिंग व्हाट, टू रिडक्शन. इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग एडेड, इट्स इंडिकेटिंग व्हाट, रिडक्शन. और इसी में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से देर इज, इसके ऊपर जीरो चार्ज है, इसके ऊपर माइनस वन है, तो आपका पॉजिटिव चार्ज घटा है, लेकिन देर इज इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज. जीरो से माइनस वन हुआ है, मतलब क्या रिजल्ट हुआ है, उसके बेसिस पर आपको रिपोर्ट करनी है. दिस इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. ठीक है, यहां पर तुमको डेफिनेशन दिया हुआ है. ठीक, ये जो है नोट्स लिखने के लिए, जो हमने बताया है ये आपका एग्जैक्टली नोट्स आपको मेंशन किया हुआ है. दैट इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट विच वॉज देयर. ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट भी यहां पर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तुम लोग उसको नोट कर लेना. जो हम आपको समझा के आ रहे हैं ना, ये सारा अच्छे से टाइप वाला लिखा हुआ है आपको. ये बताओ कि Na से Na प्लस बना, क्या हो रहा है वहां पर, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन सभी को दिख रहा है, ये चीज Na has changed into Na प्लस, दिस इज ऑक्सीडेशन, राइट. एंड उसी समय Cl2 ने क्या किया है, Cl माइनस बनाना हुआ है. सो दिस जीरो से माइनस हुआ है, इसका मतलब रिडक्शन हुआ. ये जानते हो, एकदम फीचर है, एक ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरा रिड्यूस करेगा, तभी कुछ चीज बनेगा, नहीं तो ऐसे नहीं बन सकता है. इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक एनीथिंग हियर. तो ये बात हम लोग को पूरे अच्छे से समझ में आ रही है, ये क्लियर है सभी को ना, पहचान लोगे ना इसको देख करके. ठीक है, लेकिन अब आपको एक चीज जो हमको यहाँ पर क्लियर करनी है, दो तीन टर्म है जिसको थोड़ा सा और क्लैरिटी होनी चाहिए. क्लैरिटी क्या होनी चाहिए, एक टर्म कुछ सुना होगा कभी तुम लोगों ने, वैलेंसी सुने हो? यस मैम. वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी. कंबाइनिंग, एक एटम यदि दूसरे एटम से जुड़ता है ना, तो किस बेसिस पे जुड़ता है, उसके उसमें क्या कैलिबर है. तो कोई भी एलिमेंट में कैलिबर होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक तुम जान लो एक बात, जितना दुनिया जहान में एलिमेंट है वो या तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, नहीं तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, या तो ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन, या तो फेंकेगा, या तो गेन करेगा, या शेयर करेगा. तो जो इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर करता है एक एलिमेंट, कितनी उसकी औकात है, दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. कंबाइनिंग कैपेसिटी करके हम लोगों ने बोल दिया, दैट इज कॉल्ड बेसिकली बैलेंसिंग. ठीक है, सो वैलेंसी हमको समझ में आ रही है, दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी हियर. और आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो कि वैलेंसी इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको याद है? बोल तो दो टिल क्रिसमस. उसके बाद क्या करते थे आफ्टर फोर में, एट माइनस फोर, एट माइनस फोर करते थे. ठीक है, जबकि तुम्हारे 10 स्टैंडर्ड 9 10 स्टैंडर्ड के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट ठीक था, लेकिन ये जान लो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एलिमेंट इन्वॉल्व करता है किसी से बॉन्ड बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. ठीक है, देयर इज वन मोर टर्म, कोवैलेंसी. कुछ वर्ड के लिए लोगों को जो कंफ्यूजन है ये आपको हम बता देते हैं. कोवैलेंसी इज अनदर टर्म. हम कोवैलेंसी इज ओनली वेरिएबल वैलेंसी. नहीं बेटा, कोवैलेंसी इज बिल्कुल वेरिएबल वैलेंसी, मतलब कि किसी किसी एलिमेंट का ना एक से ज्यादा होता है इन्वॉल्वमेंट. जैसे Fe, यू मस्ट हैव सीन Fe का +2 देखा होगा, +3 देखा है या नहीं?
तो ये अपना दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कर सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कर सकता है. वेरिएबल वैलेंसीज का मतलब हुआ कि ऐसे एलिमेंट जो कि एक से ज्यादा, मतलब उसको आदत है एक से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर शो करने का. समटाइम्स इट इन्वॉल्व इट्स टू इलेक्ट्रॉन्स, समटाइम्स इट इन्वॉल्व इट्स थ्री इलेक्ट्रॉन्स. और ये जो मैंगनीज वगैरह है इसके बारे में जानोगे तो ये दो तीन चार पांच ऐसा इसका वैलेंसी इतना सारा है. दो भी है, तीन भी है, चार भी है, पांच भी है, छह. जब तक वो पूरा जी जान नहीं लगा देता है अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को आउटरमोस्ट को, तब तक वो उतना वैलेंसी है उसका. डू यू गेट हियर? लेकिन आप छोटी क्लास में आपको दो ही पीरियड पढ़ना था, मतलब दो पीरियड पीरियोडिक टेबल का पढ़ना था, इसलिए ये कॉन्सेप्ट देकर के आपको कहा गया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, देखना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि चार तक में है तो वैलेंसी वही होगा, और आफ्टर फोर यदि होगा तो एट माइनस फोर कर देना. ये तो दो पीरियड के लिए है, नहीं तो ये ध्यान रखना. कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब हुआ एक एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करता है दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. नाउ व्हाट इज कोवैलेंसी? कोवैलेंसी के साथ अब जो हम लोग बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोवैलेंसी इज बिल्कुल अलग सा चीज है. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. Participating in bond formation. Number of orbitals participating in bond formation. जैसे एक बात बताते हैं आपको, जैसे नाइट्रोजन के बारे में सुने हो ना, क्या कॉन्फ़िगरेशन इसका 1s2, 2s2, 2p3. हमको बताओगे इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है? नाइट्रोजन की वैलेंसी, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी आपने 3 सुना है कि नहीं? यस मैम. हाँ, अब सुनो इसके कोवैलेंसी क्या है. 2s लिखना आता है आपको, ऑर्बिटल लिखना आता है, सुन रहे हो? यस मैम. ऑर्बिटल लिखना आता है, yes, इसमें कितना ऑर्बिटल है? ऑर्बिटल yes, कितना ऑर्बिटल है? एक. 2p में कितना है? थ्री. इसका जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन बॉन्ड फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड इट्स कोवैलेंसी. सो इसकी कोवैलेंसी 5 नहीं होगी, 3 भी नहीं होगी, सीधे 4 होगी. व्हाट इज कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? जितना ऑर्बिटल्स उसके वैलेंस शेल में दिखेगा जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, कोवैलेंसी मींस कोवेलेंट बॉन्ड बना सके, उसको कोवैलेंसी कहते हैं. क्या डिफरेंस है यहां पर? ये कहता है कितना इलेक्ट्रॉन्स, ये कहता है कितना डब्बा, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंसी. डिड यू गेट हियर? जल्दी बोलिए, क्लियर है कि नहीं? यस मैम. यस मिस. ठीक है, चलिए इसके बाद अब आपको बताते हैं. देयर इज वन टर्म विच इज ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए. ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है, ये हमको समझाना है. हम वापस आ रहे हैं स्लाइड्स लेकर के. यहां पर देखो, वैलेंसी इनको समझ में आ गई, कोवैलेंसी समझ में आ गई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. That is what oxidation number and oxidation state. State. What is there in oxidation number and oxidation state? इसमें हम लोग ये बात कर सकते हैं, जो जैसे बॉन्ड बनाने की बात आएगी और बॉन्ड तोड़ने की बात आती है, वैलेंसी का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसमें एक एटम
दूसरे एटम से जुड़ना चाहता है तो अपना कितना इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करता है. ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? दिस इज रेसिडुअल चार्ज, चार्ज आफ्टर ब्रेकिंग. After breaking each and every bond, bond around central atom. Excuse me, ma'am. Haji. Ma'am, you have told us about the oxidation number in yesterday's class, in the previous class. कितने examples लिया था हम लोगों ने? Yes, ma'am. We even took the examples. ठीक है. इस पर ये कर लीजिए. डेफिनेशन लिखा हुआ था आफ्टर ब्रेकिंग ईच एंड एवरी बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम. ठीक है. सो दिस इज हियर व्हाट वी आर टॉकिंग. इस वाले केस में जैसे हम लोग कैसे बॉन्ड टूटा था, आपको ये बताओ कि बॉन्ड टूटने का अंदाज हमने बताया था. हाउ डज बॉन्ड ब्रेक? इसमें देखो, yes, ma'am. कैसे ये कैसे टूटेगा बॉन्ड? हाउ दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक? सपोज दिस इज कैरिंग, सीएल इज कैरिंग वन इलेक्ट्रॉन, सीएल इज कैरिंग वन इलेक्ट्रॉन. हमने आपको बताया था कि जब भी बॉन्ड टूटता है, रेसिडुअल चार्ज लेफ्ट. ठीक है, जब भी बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड का मतलब होता है रिश्ता टूटता है ना, तो बॉन्ड ब्रेकिंग हर समय दो अंदाज में होता है. दो अंदाज में बॉन्ड ब्रेकिंग होता है. एक होता है होमोलिटिक और एक होता है हेट्रोलिटिक. एंड दूसरा हेट्रोलिटिक. ये बात को हर समय जानिएगा. जब भी फ्रेंडशिप टूटा चाहे कुछ भी टूटता है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड टूटने वक्त जब भी बॉन्ड टूटने की बात आती है ना, इस बात पे हम लोग को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हाउ दैट बॉन्ड इज ब्रेकिंग. जब एक जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होंगे तो बराबरी का बंटवारा होगा. बराबरी का बंटवारा का मतलब है कि कोई एक दूसरे से छीना झिपटी नहीं करेगा, ये यहां से टूटेगा तो ये डॉट जो है सीएल को वापस आ जाएगा, क्रॉस इस सीएल को आ जाएगा. तो इन दोनों के ऊपर चार्ज क्या हुआ, चार्ज का मतलब क्या हुआ है कि क्या उसको नुकसान हुआ, क्या इस सीएल को नुकसान हुआ है? जल्दी. नो मैम. क्या नो मिस? नहीं. तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो रह गया. मतलब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन सीएल, यू विल से जीरो. बोथ द सीएल हैविंग जीरो. क्यों? क्योंकि इसको ना तो नुकसान हुआ है और ना तो फायदा हुआ है. बेमानी से टूटा ही नहीं है. टूटने के बाद कितना बचता है, लेकिन वहीं पर जब हम HCl की बात करेंगे तो क्या होगा यहां पर? What Cl is going to do? Cl क्या करने जा रहा है? Cl इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा. Cl H से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा. H के ऊपर कौन सी चार्ज आएगा? प्लस. एंड Cl के ऊपर कौन सी चार्ज आएगा? माइनस. H के ऊपर प्लस एंड Cl के ऊपर व्हाट आर वी टॉकिंग? माइनस चार्ज आएगा. क्यों माइनस हम लिखे Cl के ऊपर? माइनस वन. इसके ऊपर प्लस वन. ये बताओ क्यों लिखा है ऐसा हमने? मैम, बिकॉज़ इट हैज अट्रैक्टेड वन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्सेल्फ. सब लोग थोड़ा सा इस चीज को फील करके सोचो. ये डॉट इसका था, इसे छीन लिया है. हेट्रोलिटिक टूटा है, एक उसमें दबंग होगा. कई बार आप देखोगे कि बेमानी करके एक कोई उसका छीन कर चला जाता है और खुश है बेमानी करके, दूसरा खुश है जान छुड़ा करके. सो दिस इज कितना इसको अपना इसका कितना नुकसान हुआ. एक इलेक्ट्रॉन का इसको प्लस बोलेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ है, इसको हम लोग माइनस बोलेंगे. ठीक है. यहां पर हम लोग बात करेंगे, ये तो HCl का हो गया. आपको किसी का भी, जैसे इस केस में आप बताइए क्या बताए थे, कितना होगा कार्बन के ऊपर? सबसे पहले तो तुमको आइडिया होना चाहिए कि एक बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, इस तरह से. और बॉयज यदि पार्टिसिपेट करोगे तो बढ़िया होगा. आंसर यदि बताओगे तो अपनी एनर्जी खुद आएगी. जल्दी से बताइए
ये वाली बॉन्ड सी एन एच में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपको पता है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, सी एंड एच में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जल्दी से बता दो। कार्बन 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 किससे, किसके तुलना में, एच के तुलना में। तो सी क्या करेगा, सी क्या करेगा, एच को भगा देगा, उसके इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, ये गया एच बिना विचार बिना इलेक्ट्रॉन का। तो दो दो चार दो छ गॉन, सो दिस इज हैविंग प्लस वन, ये प्लस वन नहीं माइनस वन, छीना हुआ है ना इधर से, एक्स्ट्रा आ रहा है तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन। लेकिन अब कचड़ा क्या होगा, ये Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो Cl इस C का इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, तो C को नुकसान हो गया प्लस वन। अब बताइए कि कितना चार्ज हुआ इस C के ऊपर, माइनस टू माइनस टू माइनस टू, ठीक है। यहां बताइए सोच के एकदम अच्छे से बताना, कौन किसके साथ बेईमानी करेगा ये बताइए, Cl भागेगा C के ऊपर कौन सी चार्ज आएगा, Cl C का इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा बिकॉज इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बताओ मैम प्लस वन आएगा, प्लस वन इधर से माइनस वन, H को भगा दिया, क्रॉस इसका हो गया माइनस वन, ये सील लेके भागेगा क्या होगा प्लस वन, ये एच है एच भाग जाएगा माइनस वन, सो व्हाट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट नाउ ऑन कार्बन, जीरो 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 जीरो, ठीक है मैम। हाँ बोलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होने का मतलब क्या हुआ, जीरो का मतलब हुआ कि जिस समय वो पर्टिकुलर एटम जो है जिसमें रिएक्ट करने बैठा है उसके पास ना तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूट्रल हो चुका है, जिस समय बॉन्ड टूटने का, जैसे हम केमिकल रिएक्ट कहते हैं ना कि ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, तो हर एक का स्टेटस अलग अलग हो गया, मतलब कि तुम वही देखो कि कार्बन वाला लुक ये यहाँ पर इस कंडीशन में बॉन्ड तोड़ने के बाद माइनस टू स्टेटस के साथ है, और इस ये आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन हो गया, देख रहे हो, और ये एकदम न्यूट्रल है कार्बन इस सिचुएशन में, यही कहते हैं ना परिस्थिति के साथ कैसे कोई बदलता है, तो कार्बन अपना परिस्थिति के साथ दिखा रहे हैं कि व्हेन दिस इज ब्रेकिंग इट्स बॉन्ड इट बिकेम न्यूट्रल, व्हेन दिस इज ब्रेकिंग इट्स बॉन्ड, तो इसका जो नजरिया होगा रिएक्ट करने का ना, इसका जो रिएक्ट करने का तरीका होगा वो अपने न्यूट्रल एटीट्यूड के साथ होगा, मतलब अपने ऊपर जीरो के साथ वो किसी से या तो ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा, रिड्यूस तो कर नहीं सकता, सॉरी ऑक्सीडाइज करें मतलब गेन करने की कोशिश करेगा, तो उसका बिहेवियर जो है इससे अलग हो जाएगा, ये इंडिकेशन है, फिलहाल वो न्यूट्रल है, फिलहाल ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ है, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं CH3COH, ये तुम कार्बन को देख रहे हो ना, तुम सबका हालचाल देखो कि कैसे डिफरेंट होता है बिहेवियर, इस कार्बन को देखो जरा सा, थोड़े से सब लोग एकदम अपने अपने कॉपी, यदि थोड़े भी पढ़ाई वाला इंटेंशन के साथ हो, ये सी एन सी के बीच में कैसा बॉन्ड टूटेगा ये बताओ, होमोलिटिक या हाइड्रोलिटिक, होमोलिटिक होमोलिटिक, क्योंकि दोनों एक टाइप का है, कोई नुकसान नहीं, लेकिन ये सी एन एच के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो हेट्रोलिटिक, किसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये जाएगा गायब होगा, एच को भगा दिया जाएगा, यहां पर एच को भगा दिया जाएगा, यहां पर एच को भगा दिया जाएगा, सो नाउ दिस दे आर हैविंग, दिस कार्बन इज हैविंग, इनकी वजह से एक्स्ट्रा तीन माइनस थ्री, यहां से तो कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ इस एंगल से,
हर एक बॉन्ड के टूटने के बाद व्हाट इज दैट रेसिडुअल चार्ज, ठीक है? अब यहां पर बॉन्ड टूट रहा है, इस कार्बन का स्टेटस क्या है? ऑक्सीजन सब लेके भाग जाएगा इससे, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो क्या चार्ज है इसके पास? प्लस टू। ये ऑक्सीजन खींच करके लेके चला जाएगा इधर से भी। इस कार्बन का क्या स्टेटस है? इस समय एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो व्हाट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट? प्लस। बेटा इधर से ऑक्सीजन खींचा तो प्लस टू था, यहां से ऑक्सीजन खींचा प्लस वन है, प्लस थ्री। प्लस थ्री नहीं दिख रहे हैं? एक कार्बन के पास प्लस थ्री, दूसरे कार्बन के ऊपर माइनस थ्री। तो दिस इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई, दिस इज द करेक्ट वे टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन ईच एटम, और हर एक एटम पर ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। समझ आ रही है बात? लेकिन हमारे पास इतना टाइम हर समय नहीं होगा कि हम हर समय स्ट्रक्चर, या हमको स्ट्रक्चर भी हो सकता है नहीं पता हो, तो वी आर हैविंग शॉर्टकट मेथड आल्सो टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर, टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर। बट जहां हम फंसेंगे हमको वही स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर। शॉर्टकट मेथड जो है वो सिंपल है और याद रखना है होगा आपको 12th स्टैंडर्ड तक, आगे लिखा हुआ भी है लेकिन पहले हम समझा देंगे, तो लिखे वाले चीज को आप कॉपी कर लीजिएगा, स्लाइड्स में भी है। कहा जाता है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, फर्स्ट रूल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल रिमेन, मॉलिक्यूल बोला न्यूट्रल, मॉलिक्यूल बोला कि न्यूट्रल हो गया वो, रिमेन्स इक्वल टू जीरो। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल रिमेन्स इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां पर जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट हम ये ऐड करने जा रहे हैं, उसके बाद जैसे हम आपसे बात करते हैं कुछ ऐसा, हम CO2 लिखे, ये जान लो कि C का यदि ऑक्सीडेशन स्टेट X है एक 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 एटम का और ऑक्सीजन का Y है, तो X plus 2Y is equal to zero। X plus 2y is equal to zero. बात समझ में आ रही है? ये x हो गया, ये 2y हो गया, that is zero. ये बोलना चाह रहा है कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ये अभी आपको हम नहीं सिखाए हैं लेकिन आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ये चीज सीख लो, नहीं तो आपको 12th तक पछाड़ देगा। जगह जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, मतलब ये एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसे एबीसीडी आती है वैसे आपको आनी चाहिए। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे हमने लिखा NH3, हम क्या लिखेंगे? N का यदि X है, H का यदि Y है, तो क्या लिखेंगे? X plus 3Y, क्या करेंगे? बोलिए, जीरो, ठीक है? नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे सेकेंड, यदि हम डील कर रहे हैं किसी आयन से, ये तो पहला था इन आयन्स, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट all the atoms equal to charge given,
जैसे हम लोग बात करेंगे NH4+. नया आया N का हो गया X, H का हो गया Y, X plus 4Y is equal to plus Y. X plus 4Y is equal to, समझ आ रही है बात? X plus 4Y is equal to plus Y. CO3 minus 2. ठीक है, CO3 minus 2 की जब हम बात करेंगे तो C is having X, oxygen is having Y. कैसे लिखेंगे इसको? X plus 3Y equal to minus 2. Minus 2. सही है, ये चीज है, हो गया. मतलब दिस इज जनरल फॉर्मूला. अब थर्ड पॉइंट, किसी किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है. जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स किसको बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम. इसी बहाने कम से कम आप एल्कली मेटल को लर्न कर लोगे. इज इक्वल टू प्लस वन, इट इज फिक्स्ड, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है. मतलब उनको देखोगे ही तुम हाइड्रोजन, इसको लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनका ना इनके आगे प्लस वन लगा हुआ है. उसी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सेकेंड ग्रुप वाले हैं, मेटल्स सेकेंड ग्रुप वाले जो हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? प्लस टू. And oxidation state of 13th group elements. जैसे बोरॉन हो गया, अल्यूमिनियम हो गया, इन लोगों का एटसेट्रा कर देते हैं, दैट इज गोइंग टू बी प्लस थ्री. मतलब ये फिक्स्ड है, इन लोगों का फिक्स्ड है कि यदि तुमने सोडियम देखा तो पता है कि इनका प्लस वन होगा. तुम यहां पर ये बेरिलियम, जैसे हम लोग बात करेंगे लिथियम, बेरिलियम, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो आएगा, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बेरियम हो गया, स्ट्रॉन्शियम हो गया, सबका प्लस टू होगा आपका यहाँ पर. तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का अपना लिस्ट बना करके आप चलिएगा, आगे बढ़िएगा. ठीक है, तीसरा, वो तीसरा था ना, चौथा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन्स. हैलोजन्स पहचानते हो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? माइनस वन. फिक्स्ड है, नोबडी कैन चेंज इट. सुने इस चीज को. नंबर फाइव, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन विथ मेटल्स रिमेन्स इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन विथ मेटल रिमेन्स इक्वल टू माइनस वन. मतलब हाइड्रोजन का रूप जरा देखना, विथ मेटल इट इज माइनस वन, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल रिमेन्स इक्वल टू प्लस वन. समझ आ रही है बात? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन विथ मेटल रिमेन्स इक्वल टू माइनस वन, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल रिमेन्स इक्वल टू प्लस वन विथ नॉन मेटल्स. क्या मीनिंग है ये सुनो. जैसे हम सोडियम लिखे, एच लिखे, तो तुमको पता है कि सोडियम का प्लस वन होता है, और इसका तुमको नहीं भी मालूम है तो वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, x is equal to minus 1. It is called sodium hydride.
हाइड्राइड एच के ऊपर, मतलब मेटल्स के सामने इसको ध्यान रखना कि माइनस वन रहेगा, लेकिन आपको मेटल नॉन मेटल पहचानना आना चाहिए। अब NH3 के साथ, NH3 नॉन मेटल है, आपको इसके बारे में नहीं पता है, H के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दिस इज व्हाट, H के साथ क्या होगा, H is plus one, ये देख रहे हो, with non metal remains equal to plus one. तो नाइट्रोजन का, इसके ऑटोमेटिकली आप नाइट्रोजन का निकाल सकते हो, इसका तुमको नहीं पता है X, तो X first वाले रूल के तहत सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जीरो होता है, तो आपको यदि हाइड्रोजन का मालूम है तो X plus 3 into 1 is equal to 0, तो X is equal to minus 3, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पता चल गया। ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, क्लियर है, क्लियर है ना, ये किसी का भी, जैसे कैल्सियम हाइड्राइड CaH2O, ये आपका माइनस वन रहेगा क्योंकि कैल्सियम अल्कलाइन अर्थ मेटल से, इसका प्लस टू है। हाइड्रोजन का मेटल के साथ माइनस वन सोचना और नॉन मेटल के साथ ये सोच के चलेगा कि दैट इज जैसे H2O, H2O तो ठीक है, ऑक्सीजन का भी अपना ऑक्सीडेशन स्टेट है। किसी के साथ और एग्जाम्पल लो, CH4 बोलिए, H का क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे चुप मत हुआ करो, कार्बन का माइनस फोर, माइनस फोर क्यों लिखा माइनस फोर कार्बन का, सीधे बोलो ना कि मैं ये नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन का माइनस वन होगा, इसका X होगा X माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, X इज इक्वल टू प्लस फोर, सुन रहे हो या नहीं? Yes, ma'am. एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है, ये इसका ये प्लस वन होगा नॉन मेटल, विथ नॉन मेटल इट इज नॉन मेटल का माइनस वन होता है, इसका प्लस होगा ना, मेटल के साथ ये माइनस वन रहता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं यहां पर, कितने रूल्स हम लोगों ने ले लिया, फाइव तक, वी आर कमिंग टू सिक्स्थ वन। सिक्स्थ के केस में क्या बोलने की कोशिश करेंगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन है remains equal to minus 2. 2 minus 2. Oxidation state, oxygen ka kya hoga? Minus 2. In oxides, kis mein? Oxides. Oxidation state, oxygen ka minus 2 hoga, oxides mein. लेकिन ये माइनस वन भी हो सकता है जिसको हम लोग पेरोक्साइड बोलेंगे, ये माइनस हाफ होगा जिसको हम लोग सुपर ऑक्साइड बोलेंगे। तो कुछ लोगों का आपको हमने बता दिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है, अब उसके बेसिस पर आपको दूसरे का निकालना होगा। किसका किसका फिक्स्ड है एक बार हमारे साथ बोल जाइए, किसका किसका फिक्स्ड है जल्दी बोलो, इफ एवरीबडी कैन स्पीक इट्स गुड फॉर यू, बोलिए पहला कि किसका किसका फिक्स्ड है, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर 13th ग्रुप ऑफ एलिमेंट, फिर हैलोजन्स का माइनस वन होता है, हाइड्रोजन का मेटल्स, हाइड्रोजन का विद मेटल्स हमको समझ में आ रहा है, विद नॉन मेटल्स भी हमको समझ में आ रहा है क्या क्या होगा। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स इक्वल टू माइनस टू, हैलोजन का भी बात कर चुके हैं, ऑक्साइड्स माइनस वन फॉर पेरोक्साइड, माइनस हाफ फॉर सुपर ऑक्साइड। जैसे यहां देखना क्या होगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, यदि ये एक्स है वाई है, हमको बताओ कि ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर
-1/2 नहीं, ठीक से देख करके हमको बताओ कि K का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ. K अल्कली मेटल से, भाई साहब आप लोग बताइए जरा सा कि K के ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. M+1. That's good. That's good. This is your 2y. It's 0. Yes. हमारा वो half minus half सही था. Yes ma'am. That is minus half. एक ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? 1 is equal to 2y, y is equal to half. -2y, -half. ठीक है? So this, how will you read it? इसको कैसे पढ़िएगा? Potassium? Superoxide. ठीक है? This is potassium superoxide. बात समझ में आ रही है? अब हम K2O की बात करें. K का तो फिक्स्ड है, इसका नहीं मालूम है. बताओ इसका ऑक्सीजन का क्या होगा? -2. X is equal to -2 plus my 2 into 1, the 1 into 2 plus X is equal to 0. X is equal to +2. +2 या -2? -2. ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे? पोटेशियम ऑक्साइड. H2O2. ऐसा होता है. बताओ कि ऑक्सीजन का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? मैम -1. कैसे हो गया -1? That's good. हाइड्रोजन मेटल के साथ +1 होता है. इसका आपका X होगा, तो +1. तुम तो ऐसे पकड़ लिए होगे. +2 plus 2X is equal to 0. 2X is equal to -2. X is equal to -1. This is -1. तो इसको कैसे पढ़ा जाता है याद है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड. पेरोक्साइड क्यों बोले? ऑक्सीजन के ऊपर -1 होना, हाउ डू वी रीड दैट? हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट्स क्लियर टू अस, राइट? एक्सक्यूज मी मैम. बोलिए मैम. इन K2O इफ वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K2, देन वी हैव, देन इट विल बी +1. और प्लस K इज अल्कली मेटल्स, नो, एक एटम का निकाला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट. लेकिन जब दूसरे को निकालना होता है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0, वो यूज किया जाता है. K का तो पता ही है, K इज अल्कली मेटल, सो उसको पता है कि +1 होता है, सो कोई चेंज नहीं कर सकता है. हम इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि हमको दूसरे का निकालना था. यस मैम. आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना होता है तो आपको एक एटम का बताना है केवल, बस. ये हम लिखे के एम एन. चलो थोड़ा सा ट्राई करेंगे. एम एन का बताइए क्या होगा, हमको क्या करना होगा यहाँ पर? के का एक्स लेना होगा, के का +1 होगा क्योंकि अल्कली है तो पता है. एम एन का नहीं मालूम है, इसको हम एक्स लेंगे, इसी का निकालना ही है. मैम 7. 90% केसेस में -2 होता है. ऑक्सीजन का कितना होगा? एक ऑक्सीजन का ऊपर में आप एक एक एटम का लिखेगा. अब जाकर के उसको इक्वेट कीजिए. +1 प्लस एक्स -8 इज इक्वल टू 0. एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 7. ठीक है, this is here +1, x -8, and this is x is equal to +7. That's clear, right? अब आइए इसका बताइए. K2 Cr2O7. Cr का क्या होगा? ये Cr का क्या होगा? इसका तो आपको +1 पता है,
Cr is x, oxygen is minus 2. कैसे लिखें? 2 plus 2x minus 14 equals to 0. X क्या होगा? 6 plus 6. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? So here 2 plus 2x minus 14 is equal to 0. X is equal to plus 6. कोई परेशानी नहीं. H2SO4 सल्फर क्या होगा? नॉन मेटल है तो H का क्या एक्सपेक्ट करते हैं? प्लस 6. कैसे किया? H का नॉन मेटल के साथ तो प्लस 1 होगा, सल्फर का नहीं मालूम है. X एक सिंगल एटम को ऊपर लिखेगा माइनस 2. कैसे लिखने जा रहे हैं? प्लस 2 X minus 8 is equal to 0. X is equal to kya? Plus 6. HNO3 mein N ka. Boli kya hoga? Plus 5. Kaise pata chala aapko? H का प्लस 1, नाइट्रोजन नहीं मालूम, ऑक्सीजन माइनस 2. 1 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. X इज इक्वल टू प्लस 2. ये करना ही है हम लोगों को. फॉस्फेट में फॉस्फेट फॉस्फोरस का क्या होगा? कैसे करेंगे इसको हम लोग? X ठीक है, ऑक्सीजन का हम आपको पहले ही बताएं कि ऊपर चार्ज देख के ये मत सोचना कि वो ऑक्सीजन का है. ऑक्सीजन का अपना माइनस 2 होता है. X माइनस 4 टू ज इज इक्वल टू माइनस 3. X माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3. X इज इक्वल टू प्लस 5. ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्रेट का क्या से निकालोगे? बोलिए. प्लस फाइव माइनस 2. X माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 1. X माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 1. समझ आ रही बात? तो जितने भी और किसी का भी, जैसे सल्फर लिखा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0. मतलब एक एटम एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल का सोच के चलोगे कि दैट रिमेन्स एज व्हाट? 0. ये सारा ऑक्सीडेशन स्टेट. अब देखना यहां पर OF2 में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर माइनस 1 होगा. ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका फिक्स्ड है कि उसके ऊपर माइनस 1 है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा? प्लस टू. तुम बोलोगे मिस कभी तो आपने पढ़ाया नहीं ऑक्सीजन प्लस 2 का. आपको रेयर टू रेयरेस्ट केस में दिखेगा. ठीक है, रेयर टू रेयरेस्ट केस में दिखता है. ये नहीं कि परेशान हो जाना कि ऑक्सीजन तो माइनस बताया ही नहीं गया था, लेकिन रेयर टू रेयरेस्ट केस में ऑक्सीजन के ऊपर यदि इसके साथ इससे ज्यादा खतरनाक कोई आदमी जुड़ा हुआ है तो वो तो माइनस 1 लेके चला जाएगा. तो दिस इज हैविंग प्लस 2. HCl वगैरह का आपको मालूम है कि Cl का माइनस 1 होता है तो प्लस 1, ये सब माइनस 2 प्लस 1. ये सारे एग्जाम्पल जितने भी हैं उसको आप देख सकते हो रहेगा. ये भी कर चुके हैं बेटा अभी प्रैक्टिस कार्बन का. हाँ, ये यदि हमको निकालना आ गया है तो ये जान लो एक डेफिनेशन तुमको दिया है कि नॉर्मल केस में क्या होता है कि जब रिएक्शन चलता है ना नॉर्मल केस में तो एक ऑक्सीडाइज करके रिजल्ट देता है, दूसरा रिड्यूस करके रिजल्ट देता है. एक ऑक्सीडाइज करेगा
और दूसरा रिड्यूस करेगा. ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, दिस इज द नॉर्मल फेनोमेनन. लेकिन कई बार ऐसा संयोग होता है कि हमारे पास कुछ है सब्सटेंस जो कि सिंगल कंपाउंड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड. सिंगल कंपाउंड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, उसको हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं. एक ही बार में एक ही सब्सटेंस, जैसे यहां पर आपको हम दिखा ना कि एक सब्सटेंस यदि ऑक्सीडाइज कर रहा है तो दूसरा रिड्यूस, पता चला कि यही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और रिड्यूस भी कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ठीक है, और बहुत जगह पे ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फ्रैक्शन में आता है कैलकुलेट करने पर. अब आपको सिखाएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट वर्ड क्या है. तो एजेंट का मतलब क्या होता है, जो काम करवाता है. उल्टा उल्टा लिखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस व्हाट विच गेट्स रिड्यूस्ड. एंड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, दूसरे को रिड्यूस कराए अपने ऑक्सीडाइज कर जाए. विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने क्या बोला, विच गेट्स रिड्यूस्ड. रिड्यूसिंग एजेंट इज व्हाट विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. यहां के केस में जैसे पता कर रहे हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन है, ये तो पूछ रहा है कि किसमें रिडॉक्स हुआ ही नहीं, तो रिडॉक्स किसमें नहीं हुआ है ये बात आपको पता है कि ये वाले रिएक्शन में ना तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना तो रिडक्शन. लेकिन पहचानने की बात आएगी कि विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहां देखो ध्यान से, इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो. और इस कार्बन के ऊपर अभी ऑक्सीडेशन स्टेट कोई बताओगे कि कितना हो गया, मैम? प्लस टू. कितना? प्लस फोर ना? प्लस फोर. यस मैम, ऊपर भी प्लस फोर, यहां पर प्लस सिक्स. तो तुमको चेक करना होगा कि ये सल्फर प्लस सिक्स से प्लस फोर बना है एंड कार्बन जीरो से प्लस फोर बना है. तो जीरो से प्लस फोर बनना ऑक्सीडेशन कहलाता है या रिडक्शन कहलाता है? जल्दी बोलिए. ऑक्सीडेशन. यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन. काम करवाएगा ना तो. ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि यस मैम, जो रिड्यूस करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो ऑक्सीडाइज करेगा वो. इसमें बस आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना Mg ये निकाल सकते हो कि रिडॉक्स है या नहीं. इसके ऊपर ये जीरो हुआ क्योंकि अभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये जीरो हुआ. जो अकेला रहता है उसका जीरो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्योंकि बॉन्ड टूटेगा भी, कोई चेंज नहीं आएगा. जब तक वो दूसरे से जुड़ा नहीं है तभी प्लस माइनस वगैरह आ सकता है. तो इन दोनों के ऊपर जीरो है, ये जुड़ गया यहाँ पर. अब ये देखना होगा आपको कि मैग्नीशियम के ऊपर अल्कलाइन था तो ये Mg3N2, N के ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता करेगा? मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है, इसका आपका नहीं मालूम है. ठीक है, तो फिर क्या किया जाएगा, 3 × 2 = 6 प्लस 2x = 0, 2x = -6, x = -3. तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आ रहा है इसमें. समझ आ रही है बात? तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का सिंपल वाला. हाँ, ये वाला. सभी स्लाइड्स मत कीजिएगा, इसमें जो अंडरलाइन वाला है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसको आप करने की कोशिश कीजिएगा प्लीज. थोड़ा सा चौकन्ना होकर के इस पे व्हाट्सएप पे आप लोग दिखाओगे कि आप कर रहे हो. ये वाला आप होमवर्क लेके कीजिए, best will take in the next class. अच्छा, फिर से सबको बता दें कि next class से आपका class कितने बजे होगा?